दोस्तों आज का वीडियो इसलिए खास है और सभी को देखना चाहिए, नए कलाकारों को देखना चाहिए, और जो मुझे अपने ऑडिशन लिंक भेजने वाले हैं, मैं मोनोलॉग जो दूंगा और भेजने वाले उन्हें तो देखना ज़रूरी है और एंड तक देखिए। सबसे पहले मैं ये कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू का लाल बटन दबा दीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए। उससे क्या होगा, सबसे पहले मेरे जो भी वीडियोज़ आएंगे उसकी इंटीमेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैंने बहुत से लोगों को कहा है कि आप ये ज़रूर देखिए। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम चले जाएंगे मुंबई और हमारा काम हो जाएगा, हमें एक दो सीरियल मिल जाएंगे, हम हीरो बन जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये पहाड़ तोड़ने जैसी बात है। क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होती है वहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप नहीं तो कोई और। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। 100 होंगे, 100 में से आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि आप अलग हो और सबसे बेहतर हो। तो दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप कहोगे कि मैं कोई मजदूर थोड़ी हूँ, तो भाई साहब मजदूरी तो करनी पड़ेगी। जब ये मजदूरी आप करोगे तभी आप फेम और फेमस और मनी भी मिलेगा। तो दोस्तों पहचान ऐसे नहीं बनती, प्रसिद्धि ऐसे नहीं मिलती, पैसा ऐसे नहीं मिलता, नाम ऐसे नहीं मिलता। आपको बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ज़ीरो से हज़ार बनना है, हज़ार के लाख गुना बनना है। तो अपनी पहचान बतानी पड़ेगी और अपनी काबिलियत बतानी पड़ेगी, आप क्या कर सकते हो, कितनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हो, वो आपको दिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि आपके सामने हज़ारों है, उसमें आपको बाहर आना है और बाहर आके आपको बताना है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, और सामने वाले को खुश करना है, डायरेक्टर को खुश करना है, जो भी ऑडिशन दे रहा है उसे खुश करना है। उनको आप खुश करोगे तो ही आप पब्लिक में आओगे, और पब्लिक में आने के बाद ही, जब आप आओगे ही नहीं तो आप किसे बताओगे अपना जलवा, किसे बताओगे आप क्या कर सकते हो। तो दोस्तों ये ज़रूरी है कि आपको मजदूर से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मजदूर तो चलो 8 घंटा कमा लिया, 10 घंटा काम कर लिया, लेकिन तनतोड़ मेहनत जो भी करते हैं, लेकिन तुम्हें भी वो शिखर पाने के लिए बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा और सच्चाई के लिए। और बहुत जल्दी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता, यहाँ पे तो सालों साल लग जाते, ज़िंदगी चली जाती है पूरी, 10 साल 20 साल 15 साल 50 साल भी चल जाते, तब आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप हो, आपके जैसा कोई नहीं है, और आप काबिल हो, इस जगह के लिए काबिल हो। दोस्तों राजेश खन्ना जी और अमिताभ जी थे, दोनों में कॉम्पिटिशन चलता था, तब तो राजेश खन्ना जी का एकदम ज़माना था। तो वो अमिताभ जी को भी बहुत अपनी काबिलियत दिखाने के लिए, कि अपना प्रूव करने के लिए कि मैं भी हूँ, बहुत मेहनत लगी। लेकिन एक फिल्म आई तब राजेश खन्ना जी को हो गया कि ये तो मुझसे आगे चला जाएगा और ये बन जाएगा। और उसके बाद राजेश खन्ना जी के टाइम पे क्या था, लव स्टोरी ये सब चलता था, और ये मार धाड़ वाला आया नहीं था, हीरा आया नहीं था जिसे कहते हैं ना। उसके बाद अमिताभ जी आए, अमिताभ बच्चन आए, हाइट, लेकिन अपना कुछ दिखा नहीं पाए। जंजीर फिल्म जैसे आई तब अमिताभ जी ने अपना पूरा सब कुछ दिखा दिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो तब से ज़माना चेंज हो गया। तो ये इतनी आप में काबिलियत होनी चाहिए कि पूरा ट्रेंड चेंज कर सको, ये कर सको। तो दोस्तों आज भी अमिताभ महानायक है। दोस्तों ये बनने के लिए आपको मजदूर तो बनना ही पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, दिन रात की मेहनत करनी पड़ेगी, सोना नहीं है, नींद भी खलास करनी पड़ेगी, नींद भी लेनी नहीं है, नींद में कटौती करनी पड़ेगी, आपकी सहूलियत में कटौती करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करना पड़ेगा जितना कर सको, क्योंकि वही भाग दौड़ आपको उस मकाम तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों आप मजदूर नहीं हो ये मत बताइए, आप मजदूर हो। ये मजदूर बेचारा काले धूप में, काली रात हो या धूप हो, कुछ भी हो, मेहनत करते रहता है। आपको इस लाइट के सामने अपनी प्रतिभा दिखानी है। तो दोस्तों ज़रूरी है कि आपको मजदूरी करनी पड़े, यही मजदूरी है जो आपको कल की ऐशो आराम की ज़िंदगी दे सकती है, शोहरत दे सकता है। तो दोस्तों मेहनत कीजिए, यही मुझे आज से कहना था। बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है और क्या करने पर हमें इसमें हम पास हो जाएंगे और हम स्टार बन जाएंगे, ऐसा कोई लिखा नहीं है। एक साल ऐसा नहीं है कि एक साल के बाद आप हो जाओगे, कुछ भी नहीं, सालों साल निकल जाते हैं। दोस्तों अपनी काबिलियत, अपना जलवा दिखाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे प्यारे दोस्तों मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही वीडियो देते रहूँगा। मैं ये वीक में या तो नेक्स्ट वीक में आपको
मोनोलॉग्स दूंगा, वो मोनोलॉग्स आप ये ऑडिशंस के लिए तैयार करके भेजिए मुझे। जो भी मैं नंबर दूंगा, जो भी मैं जीमेल आईडी दूंगा, उस पर आप भेजिए, उसमें से हम लोग सिलेक्शन करेंगे और आप लोग को काम मिलेगा। दोस्तों आज भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, उसके लिए कोई फ़ी नहीं है, आप जितनी चाहो उतनी एंट्री भेज सकते हो। तो मैं अलग अलग विषय के जो भी सब्जेक्ट है उस पर मोनोलॉग्स है वो मैं भेजूँगा, आपको वो करके भेजना है, शूट करके भेजना है। दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार।